In the previous lecture, we have completed single factor experiment, and along with we have completed completely randomized design. Now in the next chapter we will start randomized block design. In the completely randomized design, there is one factor, यहाँ पर भी एक factor होता है. CRD में completely randomized design में एक ही factor था, randomized block design में यहाँ पर भी एक ही factor होगा. लेकिन यहाँ जो आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं और जो ट्रीटमेंट्स हैं, बेसिकली होता कुछ इस तरह है कि अगर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आपके पास होमोजीनियस ना हो, फिर हम क्या करते हैं, उसको होमोजीनियस बनाते हैं. और उसको होमोजीनियस कैसे बनाएंगे, ब्लॉकिंग करके. जो सेम आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उन्हें एक ब्लॉक में कंसिडर करेंगे, तो जो दूसरे सेम आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हों तो दूसरे ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेम कैरेक्टरिस्टिक के एलिमेंट्स को फिर इसी तरह आप तीसरे ब्लॉक में और चौथे ब्लॉक में और पांचवें ब्लॉक में इस तरह. देखें अब नॉन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन कितनी हो गई, यहाँ पर दो हो गई. एक तो हो गया फैक्टर की वजह से जो वेरिएशन हो रही, और दूसरी वेरिएशन किसकी वजह से हो रही है, ब्लॉकिंग की वजह से. क्योंकि यहाँ पर दो नॉन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है, तो इस वजह से यहाँ पर एनालिसिस के लिए हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं. देखिए आप पढ़ भी सकते हैं, आप ये रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन है, पढ़ जरा क्या कहा जा रहा है. नए एक्सपेरिमेंट, वेरिएबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अ न्यूसेंस फैक्टर कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स. लाजमन जो भी फैक्टर है उसके रेस्पेक्ट से जो भी वेरिएबिलिटी आ रही होगी वो रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगी. जनरली वी डिफाइन अ न्यूसेंस फैक्टर एज अ डिजाइन फैक्टर दैट प्रोबेबली हैज एन इफेक्ट ऑन द रिस्पॉन्स. But we are not interested in that effect. Sometimes a nuisance factor is unknown and uncontrolled. That is, we don't know that the factor exists, and it may even be changing levels while we are conducting the experiment. So randomization is the design technique used to guard against such a lurking nuisance factor. In other cases, the nuisance factor is known but uncontrollable. We can at least observe the value that the nuisance factor takes on at each run of the experiment. We can compensate for it in the statistical analysis by using the analysis of covariance. Chapter number 14 mein discuss karenge analysis of covariance. Abhi to analysis of variance padh rahe hain. When the nuisance source of variability is known and controllable, a design technique called blocking can be used to systematically eliminate its effect on the statistical comparisons among treatments. वही बात है जो मैंने भी आपको बताई कि जब आपके पास experimental units homogeneous ना हो, जब homogeneous नहीं है तो हमें पता है कि इसकी वजह से आपके पास variation आ रही है. आप control नहीं कर सकते तो उसको फिर tackle करेंगे. उसको टैकल करने का एक बेहतरीन रास्ता आपके पास वो क्या है कि आप जो है वो ब्लॉकिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर. तो ब्लॉकिंग आपके पास क्या है कि एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि नॉन सोर्सेस ऑफ वेरिएशन को रिड्यूस करता है.
अब इस आइडिया को जनरेट करने के लिए,